ढाई घंटे के बाद जाकर के यहाँ पे जो है पहाड़ देखने को मिले, पहाड़ी के ऊपर पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ वहाँ पर आपकी फैमिली में सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे होंगे। हाजिर हूँ फ्रेंड्स आप सभी के लिए और नया ब्लॉग लेकर के। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ केरला, गॉड्स ओन कंट्री की कोची सिटी में हूँ। कोची सिटी के एक टाउन है अपना एर्नाकुलम टाउन, एर्नाकुलम जो बस स्टैंड है उसके पास ही मैंने स्टे किया है। पीछे देख सकते हैं अपना अशोका टूरिस्ट होम। यहाँ पे कैसे आया, कब आया, ये बताता हूँ आपको। जैसे मैंने एक जर्नी की है दिल्ली से ऊटी की, आपने देखी होगी, और ऊटी के बाद जो मैंने अपना आदि योगी लाइट शो जो कवर करा आप सबके लिए, तमिलनाडु से फिर मैं अपना आ गया था केरला, कोयम्बटूर से आ गया था एर्नाकुलम, कोची से आज का हमारा सफर होने वाला है मुन्नार का। यस फ्रेंड्स, जैसे हमारा मनाली में हिल स्टेशन है, शिमला हिल स्टेशन है, जैसे अभी आपको दिखाया ऊटी हिल स्टेशन, वैसे ही अपना केरला में गॉड्स ओन कंट्री में बड़ा फेमस हिल स्टेशन है, इसका नाम है मुन्नार, जो अपने टी गार्डन्स के लिए, लेक अपने माउंटेन्स के लिए, अपने वैलीज के लिए और अपने व्यूज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज का सफर हमारा होने वाला है कोची से अपना मुन्नार का। मुन्नार आपको एक्सप्लोर कराएंगे, जल्दी से पहुंचते हैं, कैसे आप पहुंच सकते हैं मुन्नार, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया कैसे आ सकते हैं मुन्नार, कैसे पहुंच सकते हैं, कितना पैसा लगने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग में देने वाला हूं। ये फ्रेंड्स अपना रूम है 105 ग्राउंड फ्लोर पर मैं रुका हुआ था। ये अपना देख सकते हैं रूम है, बैग वगैरह रखा हुआ है, चेयर यहाँ पे मैंने थोड़ा मेसअप हो गया है हल्का सा, काफ़ी बढ़िया है, क्लीन वगैरह बहुत नीट एंड क्लीन है। ये वॉशरूम है देख सकते हैं ये। तो बात करें फ्रेंड्स साले रूम की कॉस्ट की, तो इसका मेरे को 600 रुपीज़ 600 रुपये में पड़ा था यार। इतना नीट एंड क्लीन बेस्ट प्रॉपर्टी आप सबके लिए, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं आने के लिए तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं तो इस वाले होटल में आ सकते हैं, होटल अशोका टूरिस्ट होम में, तो यहीं पर ना आपको मिलेंगे ना। विल टेक केयर माय व्यूअर्स, ओके, दे विल कॉल यू फॉर बुकिंग, ओके, यहाँ पे आ जाना फ्रेंड्स, थैंक यू अन्ना, ओके बाय। तो आइए फ्रेंड्स अब मूव करते हैं अपने बस स्टैंड के पास। बस स्टैंड बिल्कुल नियर बाई, यहाँ पे अपना 150 से 200 मीटर की दूरी पे है। और जो मैं अपना कोयम्बटूर से आया था, कोयम्बटूर से मैं इंटरसिटी एक ट्रेन है उसका लोकल टिकट लेके आया था, जनरल टिकट 100 रुपीज़ का इजीली, 3.5-4 घंटे की जर्नी थी मेरी। सामने अपना बस स्टैंड है एर्नाकुलम बस स्टैंड, वहाँ से रोड क्रॉस करके आएंगे तो ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के अंदर से एक गली आ रही है यहाँ पे, जो होटल मैंने लिया हुआ था। सामने आपको जो है सुब्रमण्य टेम्पल मिल जाएगा, टेम्पल के साइड से आपको जो है रोड जा रही है अंदर, इस साइड पर मेरा होटल था अंदर ही 100 मीटर। सामने बस स्टैंड है, बस स्टैंड के रोड पार करके आएंगे यहाँ से, तो ये सामने से एक रोड जा रहा है, यहाँ से अपना बस स्टैंड स्टार्ट हो जाता है पूरा। बस स्टैंड देखिए KSRTC खड़ी है यहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड्स सामने बसेस खड़ी हुई। और गॉड्स ओन कंट्री केरला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, यहीं से अब हम अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे। ये फ्रेंड्स सामने आपको इंक्वायरी काउंटर भी मिल जाएगा, इंक्वायरी काउंटर पर जाके पता कर लेंगे टाइमिंग्स वगैरह, टिकट्स वगैरह। ये वाली बस बताई मेरे को व्हाइट एंड ब्लू, इसमें मैं जाने वाला हूँ मुन्नार। ये हमारी बस है, ये देखिए मैं यहाँ पे बैठ के कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मेरे को सीट मिल जाए, पॉसिबल रहेगा तो मैं यहाँ पे बैठ के आप सबके लिए वीडियो कवर करने की कोशिश करूंगा। अमेजिंग भाई ये KSRTC भाई, लाजवाब, अपने आप में बहुत ही एक आइकनिक रूट है ये जिसको मैं कवर करने वाला हूँ आप सबके लिए। ये फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन देख लिए, 3+2+3 का कॉम्बिनेशन है बस में। और इस बस में क्या मिरर का सीन कुछ अलग होता है, ये कुछ यहाँ पे ये फ्लैप्स लगाए होते हैं, ये शीशे नहीं होते इसमें, ये देखिए पूरे फ्लैप है। यहाँ से आपको काफी सारी टाइमिंग्स मिल जाएंगी बसेस की, मॉर्निंग में 4:30 से स्टार्ट हो जाती है और इवनिंग में 5 बजे के बाद यहाँ कोई बसेस नहीं मिलने वाली अवेलेबल आपको मुन्नार जाने के लिए, बैक टू बैक बसेस है मुन्नार की। तो फ्रेंड्स ये वाली अपनी बस है 8:40 पे, बताया 8:40 पे रन करेगी, यहाँ से निकलेगी, डिपार्ट करेगी। फ्रेंड देख सकते हैं अन्ना आ चुके हैं अपनी बस में बैठते हैं, अब चल के जल्दी। तो आइए फ्रेंड्स अब बस अपनी चलने के लिए रेडी हो चुकी है। फ्रेंड बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे हमारी बस निकल चुकी है 8:40 पे, बाय बाय एर्नाकुलम बस स्टैंड KSRTC। और फ्रेंड्स इस वाली जर्नी के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यार इस वाली जर्नी से मेरी काफ़ी कुछ ज़्यादा ताज़ा होने वाली है। और फ्रेंड्स ये कुछ 163 रुपीज़ 163 रुपये की टिकट है और 163 की, और टोटल डिस्टेंस की बात करें मैंने पूछा अन्ना से तो उन्होंने बताया 145 किलोमीटर के आसपास पूरी जर्नी हमारी अपनी एर्नाकुलम से मुन्नार तक की बस स्टैंड की, और 3-3.5 घंटे लगने वाला अगर एज पर डिपेंड करता है ट्रैफिक कैसा कैसा नहीं। अगर आप सुबह जाएंगे मॉर्निंग वाली 4-5 बजे वाली बस से तो शायद आप जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे ट्रैफिक नहीं होता, ये पूरा ऑफिस टाइम नहीं होता, तो हमें थोड़ा टाइम लगने वाला है ऐसा ये इसी के चलते। अदरवाइज 3 घंटे में तो पहुंच जाएंगे, मॉर्निंग में 4-5 बजे निकलेंगे, ट्रैफिक नहीं मिलेगा उसके चलते। ये मेट्रो के पिलर के ऊपर मेट्रो जा रही है, देखो तो केरला में मेट्रो है भाई, बढ़िया एक नंबर। अपने भोलेनाथ आपको हर जगह नजर आएंगे भाई, हर हर महादेव, शिवशंकर, शंभू, सुबह दर्शन हो गए भोलेनाथ के। भाई सिटी में भी भैया ने तो रॉकेट बना रखा फुल,
चंगा पूजा पार्क मेट्रो स्टेशन, फुल रॉकेट बना रहे हैं भाई ये तो, फुल रॉकेट बना, पूरे सिटी में जब आप रन करेंगे तो यहाँ पे आपको चर्च देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, मतलब मैं तमिलनाडु में जब था कॉम्बेटोर में, और यहाँ पे भी मतलब लॉटरी का सिस्टम है, मतलब ये ओपनली यहाँ पे जब काफ़ी सारी शॉप मिलेगी आपको लॉटरी की, अगर आपको लॉटरी वगैरह लेनी है तो यहाँ से ले सकते हैं। मतलब मैं तमिलनाडु में था तब भी यहाँ पे मैंने सीन देखा, केरला में भी है, मतलब क्या पता भाई आपकी लॉटरी लग जाए यहाँ पे, ले लेने एक बार ट्राई कर लेना आगे एक बार। बाकी यहाँ पे तमिल और मलयालम कुछ चलती है भाई, वो तो मेरे को आती नहीं है फिलहाल, अपना काम चल जाता है हिंदी इंग्लिश बोल के, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स कुछ पहला बस स्टैंड आया अपना निकलने का, पेरुम्बावूर बस स्टैंड पहुंचे अभी है। बारिश देख सकते हैं, वेदर देखो बाहर का फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैप दे रखे हैं खोलने के लिए, अगर बारिश यहाँ से अंदर आती है तो ये मैं फ्लैप खोल लूँगा, यहाँ पे सिस्टम कुछ दिया हुआ है। ये फ्रेंड्स कोई तो स्टैंड आया मेरे हिसाब से, कोई बस स्टॉप आया। और फ्रेंड्स यहाँ पे दो घंटे की जर्नी कंप्लीट करने के बाद पहुंचे हम कोडमंगलम। फ्रेंड्स पहाड़ों की पहली झलक देख लीजिए आप, दो ढाई घंटे के बाद आइए देखिए। फ्रेंड्स ढाई घंटे के बाद जाकर के यहाँ पे जो है पहाड़ देखने को मिले, पहाड़ी के ऊपर पहुंचेंगे तो और भी सबका नजारा होने वाला है। फ्रेंड्स ये वाला ब्रिज तो यार बहुत ही आइकॉनिक है, बहुत ही ज़्यादा, आपने रील्स में भी देखा होगा, तो भाई फेमस, देख सकते हैं नीचे रिवर वो है, क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है। यहाँ पे असली नज़ारे जो है ना वो तीन घंटे की जर्नी आप कर लेंगे एर्नाकुलम से यहाँ तक की, तब आपको आएंगे माउंटेन्स के ग्रीनरी, माउंटेन्स फुल लगा के देखो। वाक्य में देखा जाए तो नाम के पहाड़ है, मतलब पहाड़ दोनों साइड कहीं नज़र नहीं आ रहे, इस साइड तो मैं रहे नहीं, वो दूसरी साइड है, यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा, पूरे ढके हुए हैं देखो पूरे, मतलब इतनी ज़्यादा हरियाली है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए कुछ यहाँ वाटरफॉल आएगा, देखिए काफ़ी सारे लोग खड़े हुए भी है, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं तो आएगा। ये देखो भाई, ये देखो, ओ भाई साहब अमेजिंग भाई, अमेजिंग यार, क्या बात है यार, जस्ट अमेजिंग। फ्रेंड्स यही चीज़ पे यहाँ पे वाटरफॉल जो है अभी इस टाइम पे माउंटेन के टाइम पे बिल्कुल उफान पे हो गए अपने। ये देखिए फ्रेंड्स तीन घंटे से ऊपर की जर्नी के बाद अपना है आधी मिली। ये फ्रेंड्स यहाँ पे 12 बजे के आसपास पहुँचे अपना आधी मिली बस स्टैंड, और यहाँ पे हमारा पहला रेस्ट स्टॉप है अपना, 10 मिनट के लिए बताया, 10 मिनट गई यहाँ पे। और इतनी दूर आके दिल्ली से आपसे कम से कम मेरे हिसाब से कितना किलोमीटर होगा यार ये, तो 3000 किलोमीटर के आसपास होगा दिल्ली से केरला के आसपास, जहाँ पे मैं भी हूँ मुन्नार भी, तो काफ़ी दूर है यार। आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ, कैसा लग रहा है सफ़र आपको मेरा, जो तमिलनाडु से अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ केरला, गॉड्स ओन कंट्री, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में मेरी जर्नी कैसी लग रही है आपको। ऐसी मैं पूरा भारत का दर्शन करता रहूँगा आप सबके लिए
कम बजट में लेस प्राइस में आपको घुमाता रहूँगा इन फ्यूचर। कहने तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट करता रहता हूँ मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ, नेक्स्ट जर्नी मेरी कहाँ कर है, कहाँ की है, तो सारी चीज़ आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। ये फ्रेंड्स यहाँ से मैंने कुछ दाल का कुछ लिया, ये 12 रुपए का मिला है, 12 रुपीज़ का। ठीक है भाई, ये अपना जूस हो जाएगा और ये कुछ दाल का पकौड़ा पता नहीं कुछ बोलते हैं, परी पोड़ा पता नहीं क्या। 15 मिनट का अपना हो गया, फिर रेस्ट बैठते हैं और निकलते हैं ना मुन्ना। देखिए फ्रेंड्स ये कितना क्लोज है, कितने क्लोज से निकलती है भाई अपनी बस, जब उस साइड से बस आती है तो। ये देखिए फ्रेंड्स सामने कुछ दिख ही नहीं रहा, बादल के चलते देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा, सब कुछ वाइट हो रखा है। देखो यही तो नज़ारे हैं फ्रेंड्स, इन्हीं नज़ारों के लिए तो हम इतनी दूर से आए हैं। ओह फाइनली टी गार्डन्स भी आ गए भाई, ये वाह भाई वाह, टी गार्डन्स भाई फाइनली फाइनली देखने को मिले, दीदार हो गया इनका फाइनली फ्रेंड्स। टी गार्डन भी देखने को मिल गए जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। फ्रेंड्स अपनी मुन्नार की जो है टी भी बहुत फेमस है, चाय भी जरूर पियेंगे भाई और ट्राई करेंगे कौन सी वाली चाय मिलने वाली है, स्पेशल चाय कटिंग चाय। ये देखिए फ्रेंड्स ये टाटा टी है अपना, टाटा का पूरा बगान है, मेरे हिसाब से टाटा ने ले रखे होंगे लीज पे, टाटा का यहाँ पे लोगो लगा हुआ था। ये देखिए फ्रेंड्स फाइनली पहुंच चुके हैं मुन्नार। ये फ्रेंड्स करेक्ट 1:30 बजे करीब आया हम यहाँ पे, 8:30 बजे स्टार्ट हुई थी हमारी जर्नी, 1:30 बजे पहुंचे अपना मुन्नार, मतलब 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 5 घंटे लग गए एक रेस्ट स्टॉप के साथ। तो फ्रेंड्स मुन्नार में आप सबका स्वागत है, केरला गॉड्स ओन कंट्री, जहाँ के मसाले, जहाँ की चाय, जहाँ की ग्रीनरी बहुत ज़्यादा फेमस है। बारिश हो रही है इस टाइम पे, बहुत बढ़िया यार, क्या वेदर हो रहा है यार, अमेजिंग एक नंबर। ये तो ऊटी की तरह हो रखा है, ऊटी में हल्की हल्की बारिश होती है, सेम वैसी वेदर। और इसके साथ मेरी बहुत पुरानी एक मेमोरीज है, अभी मैं फर्स्ट टाइम जब मुन्नार घूमने आया था अपने दोस्त पिंटी के साथ, उसका नाम प्रवीण सिंह रावत है। पिंटी भाई अगर तू देख रहा है कहीं पे मेरी वीडियो को तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दियो, आई रियली मिस यू भाई। वो ट्रिप हमारी बहुत ज़बरदस्त थी, कोची की मुन्नार की, जो हम 8-10 दिन आए थे यहाँ पे। और फ्रेंड्स अगर आप मेरी जर्नी देखना चाहते हैं कि मुन्नार में पहले कब आया था, तो मेरी प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं कि मेरी पुरानी वीडियो जो मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था तो मैंने मुन्नार से ही किया था, गॉड्स ओन कंट्री। फ्रेंड्स फाइनली मैंने अपना असला निकाल लिया है, येलो कलर का असला देख सकते हैं। और अब ये देखो फ्रेंड्स अब हो गई बारिश बंद, कर लिया मैंने अपना डाउन असला। और यहाँ पे लैंग्वेज का बता दो फ्रेंड्स, यहाँ पे लैंग्वेज जो है तमिल और मलयालम चलती है, हिंदी कम आती है, मतलब हिंदी से आपका काम नहीं चलने वाला, बट हाँ इंग्लिश वगैरह आती तो चल जाएगा काम अपना, तो ठीक है कर लेते हैं। मैंने के बाद होटल यहाँ पे देख लेंगे, होटल के प्राइस आप ऑनलाइन देख लेंगे, जो भी प्राइस होंगे अभी तो पॉसिबल नहीं है बारिश में एक्सप्लोर करना। आप आएंगे यहाँ पे अगस्त के बाद आ सकते हैं, यहाँ पे बारिश थोड़ी कम हो जाएगी जिस टाइम पे, तो अच्छे से आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। मैं भी नेक्स्ट टाइम दोबारा आऊंगा आपके लिए कवर करने के लिए। ओके फ्रेंड्स मुन्नार से आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूंगा, अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद एक नई वीडियो के साथ।